पटना की बात करें तो पटना का माहिर मंदिर जो पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा माहिर है और यहाँ मंदिर के दो विग्रह हैं और यहाँ भी खासी तैयारी की गई है और कहा भी जाता है कि जब बीमारी आती है तो दवा के साथ दारू भी दवा के साथ दुआ जो है बहुत जरूरी होती है और यहाँ दुआ आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे हैं आप जो भक्त आ रहे हैं अभी यहाँ पे भीड़ कम है क्योंकि जो लोग ऑनलाइन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनके लिए भी गेट के एंट्री के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है के साथ हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और इसके अलावा फूल भगवान को जो माला है फूल माला वो नहीं चढ़ाई जा रही है सिर्फ प्रसाद है जो पैक है और पैक प्रसाद ही जो है वो अंदर चढ़ाया जा रहा है जो पुजारी है वो चढ़ा रहे हैं प्रसाद की प्रसाद को जो पहले निकाला जाता था उसमें से और भगवान को चढ़ाया जाता था वो नहीं किया जा रहा है डब्बा जैसा पैक आ रहा है सीधे स्पर्श कराने के बाद वो भक्तों को लौटा दिया जा रहा है फूल और माला चढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा जगह जगह जो मंदिर के जो घंटे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है पैक कर दिया गया है कि घंटों को नहीं बजाना है। इसके अलावा जो सत्संग मंदिर में चला करता था जो कीर्तन हुआ करता था वो कीर्तन को भी करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है कीर्तन यहाँ नहीं होंगे। इस बात को लेकर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जो 65 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्ग हैं या फिर थर्मल स्क्रीनिंग में जिनका टेम्परेचर ज्यादा आता है उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिले उनके लिए बाहर में ही मंदिर में जो शेड बनाया गया है वहां उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और सिर्फ मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं जो मिठाई की दुकानें हैं उन्हें भी नहीं खोला गया सिर्फ मंदिर प्रशासन की जो दुकानें हैं जो यहाँ तिरुपति का जो लड्डू चढ़ता है नैवेद्यम जिसे कहते हैं काफी प्रसिद्ध है उसकी जो दुकानें हैं काउंटर बढ़ाई गई है बाहरी तरफ में लगाई गई है। कोशिश ये की गई है कि मंदिर के अंदर किसी प्रकार की गैदरिंग नहीं हो भीड़ नहीं हो और जगह जगह इस बात का लगाया गया है कि आप मास्क जो है बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा अपने हाथों को सैनिटाइज करें क्योंकि मंदिर में कई जगह पे सैनिटाइज करने के लिए ऐसे मशीन लगाए गए हैं कि जहां आप हैंड सैनिटाइज कर सके। तो इस वजह से इस तरह से देखा तो कई चीजें बदली हुई थी हैं जो पुजारी हैं वो भी जो है हैंड मास्क लगाए हुए हैं हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और जो बाकी जो मंदिर हैं उन्हें जो है छोड़ा गया है उन्हें भी अंदर तक बैरिकेड किया गया है कि लोग अंदर नहीं जाए जो भी जाना है बाहर से वो प्रणाम करें पुजारी उन्हें उनकी जो प्रसाद है वो स्पर्श कराएंगे उसके बाद उठाएंगे।